हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राज्यलक्ष्मी मांडा ने खींची मिनी ट्रक, भाजपा ने किया सम्मान। नरेंद्र मोदी को वापस प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प और महिलाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य के साथ चेन्नई की राज्यलक्ष्मी मांडा मोटरसाइकिल पर अपनी टीम के साथ बुधवार को जोधपुर पहुंची। उन्होंने यहां एक मिनी ट्रक खींचकर सभी लोगों को अचंभित कर दिया। इस दौरान भाजपा की तरफ से उनका स्वागत और सम्मान किया गया। चेन्नई से अपनी टीम के साथ बाइक पर निकली राज्यलक्ष्मी मांडा की युवा महिला शक्ति यात्रा बुधवार को जोधपुर पहुंची। इस दौरान राज्यलक्ष्मी मांडा ने गोल बिल्डिंग चौराहा पर रस्सी पकड़कर मिनी ट्रक को खींचा। मांडा के हैरतअंगेज कारनामे को जिसने भी देखा उसे दांतों तले उंगली दबा ली। उन्होंने इस हैरतअंगेज प्रदर्शन के जरिए लोगों से भाजपा के लिए समर्थन मांगा। बता दें कि वे नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पीएम बनाने की अपील के साथ यात्रा पर निकली हैं। इसी के तहत राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। यहां सुबह ट्रक खींचने का कारनामा दिखाने के बाद राजलक्ष्मी ने बेटी बचाने का संदेश भी दिया। राजलक्ष्मी ने कहा कि इस ट्रक को खींचकर वो यह दिखाना चाह रही हैं कि महिलाएं किसी भी रूप से कमजोर नहीं हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं को इन 4 सालों में काफी सशक्त किया है। इस दौरान महापौर घनश्याम ओझा, भाजपा शहर जिला कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष महेंद्र तंवर, भाजपा महिला मोर्चा की शहर जिला अध्यक्ष इंदिरा राज पुरोहित आदि भी उपस्थित थे। उन्होंने राजलक्ष्मी मांडा का स्वागत और सम्मान किया। मैं इसलिए महिलाओं को ये ताकत दिखाने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, जो ट्रक पुलिंग वाला, जो महिला चाहती है जीवन में कुछ भी कर सकती है, वो संकल्प ले सकती लेती है, कुछ भी संकल्प उसको साधन करने का शक्ति महिला का अंदर होती है। सिर्फ इसको आगे लाने के लिए, इसको अवेयरनेस देने के लिए मैं ऐसा ट्रक पुलिंग का कार्यक्रम कर रही हूँ पूरा देश महिलाओं के लिए। मैं ये बोलती हूँ कि महिला ताकत वाली है, आप कभी भी हिम्मत मत हारो, सभी ताकत आपके अंदर। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।